वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बात कर रहे हैं FIR पर, आप भी कॉल कर सकते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल रऊफ खावरी, शिनकारी डिस्ट्रिक्ट मानसरा से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सवाल पूछिएगा अपना। सर मैं अपने आपके इस प्रोग्राम को मैंने देखा तो इंसाफ, तो मैंने कहा कि चले ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। सर रिक्वेस्ट ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी, जंगलात का जी, तो इसमें पीछे जंगल में जो जंगलात की कटाई हो रही थी तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने रेंज अफसर, DFO जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं जी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर थे सर, मैंने उनको दी। ठीक है। फिर मैंने थाने वालों को भी दी। सही। कि जी ये दरख्त काट रहे हैं और ये ग्रीन हॉर्ड खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जब मैंने उनको इंफॉर्मेशन दी तो वो लकड़ियां तो काट कर जो लेकर जाने वाले थे ले गए। ठीक है। जब बैग वापस आया तो उन्होंने कहा जी के आपकी कोई इतला, कोई रिपोर्ट, कोई भी नहीं है। ठीक है। आप ये किस पे काट रहे हैं? तो अब आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? तो इसका क्या तरीका कार होगा कि ये तो ऊपर तक जो डिपार्टमेंट है थाने वाले हैं कहते हैं जी फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट वाले कहते हैं जी कि आपने थाने में रिपोर्ट कराए। ठीक है। तो ये किस पे रिपोर्ट कराऊंगा मैं? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। आप प्रोग्राम देखते रहे, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर आपने एक और कॉलर इस वक्त लाइन पे हैं और उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी जो फॉर्मल डिस्कशन की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी समीना साहब अपना सवाल बताइए। जी 6 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई है और 15-20 दिन दुल्हन हमारे घर रही है। ठीक है। उसके बाद बेटे की आउट ऑफ सिटी जॉब है। ठीक है। और वो घर गई है तो बस कुछ इस तरह के हैं कि उसके बाद वो यहाँ आना नहीं चाहती। ठीक है। और कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं कि अब मेरा ख्याल है कि हमारा पैसे होना भी मुश्किल है। ठीक है। मैंने ये आपसे पूछना था कि यानी मोस्टली उनकी तरफ से है कि हम नहीं रहना चाहते। ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, डाइवोर्स के लिए या जवाब की तरफ अभी चंद ही मिनट्स में जो आपके जवाब की तरफ चलते हैं। जी सर इससे पहले अब्दुल रऊफ साहब थे, प्रोहिबिशन जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रीज जो है एक एक्ट भी बना हुआ है 1976 का 72 का गालिबन मुझे एक मुगालता है, मैं अभी उस दिन उसके बारे में पढ़ रहा था। उसमें जोन्स बने हुए हैं, जोन जो है 1, जोन 2, जोन 3 जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं ख़ास तौर पे मानसिरा से बिलोंग करते हैं, जो कि बिल्कुल अटैच हैं। नॉर्दर्न एरियाज भी वो कि जो बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज जो है हमारे जो उनके साथ बिल्कुल मुल्हिका इलाके हैं वो जोन 1 में आते हैं, उसके बाद जो उससे पीछे चले जाते हैं जोन 2, और अपनी अपनी उनकी डिफरेंट सज़ाएँ हम देखते हैं। बात सर जो मैं इनके जो है तमाम बात से सवाल समझा वो ये है कि इतला जो है इन्होंने कहा, इन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज़ को इतला भी की, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उसके भी, और उसके अलावा जो है पंजाब पुलिस जो है जो थाने में जाके भी इतला दी। अब इनसे कहा जाता है कि आपकी कोई इतला तो आई नहीं है हमारे साथ, ये इस सूरत में इनके साथ तो जो हो गया वो हो गया, हम इनको गाइड करेंगे अब इनको क्या करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैंने जो इस पर मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी कॉमन है कि हम इस तरह की कोई रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली पता चलता है जी आपकी इतला नहीं पहुंची, तो किसी इन्फॉर्मेंट को कैसे इतला पहुंचानी चाहिए कि बाद अज़ां जो डिपार्टमेंट वाले हैं या थाने वाले हैं रिफ्यूज ना कर सकें कि आपकी इतला हम तक नहीं आई। ऐसा प्रूफ हमारे हाथ में हो जब हम जाएं किसी जगह पे और जाके किसी भी जुर्म की या किसी भी जो ज्यादती या कोई जुल्म हुआ है उसकी इतला दें, तो उसके बाद हमें इस तरह की रिफ्यूजल ना दी जा सके आपकी इतला हम तक पहुंची नहीं है, इतला का प्रूफ रखने के लिए। इसमें बात यह है कि जो एप्लीकेशन SHO को फाइल करते हैं उसकी कॉपी फोटो कॉपी उसके ऊपर उसकी रिसीविंग थ्रू डायरी नंबर जो है ना वो ले ली जाती है, डेट होगी, रिसीविंग होगी, डायरी नंबर होगा, उससे तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं है ना इनहराफ है। वो जब आपके पास होगी एक कंफर्म रिपोर्ट होगी कि जनाब ये मैंने आपको जो है ना ये इसकी सर्विस करवाई हुई है या मैंने फाइल की हुई है आपके पास, ये बात होगी। ये बहुत जरूरी है। वंस अगेन सर मैं इस पे आपकी बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा ऑडियंस को जो है वो, और इसको थोड़ा सा जो आसान करके कि सर ने बताया अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ महमूद चौधरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर बार एसोसिएशन के। इन्होंने बताया कि आप जब भी कोई इतला दें किसी भी डिपार्टमेंट, कभी भी आपको किसी किस्म की ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़े, इन्होंने बताया कि डायरी नंबर लगाते हैं
जो आप एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद वो डायरी नंबर का हवाला देके उनसे रिसीविंग ले लें, ताकि सब्सिक्वेंटली कभी भी किसी भी जगह पे आपका कोई पर्सनल मैटर है या पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड है वो आपको रिफ्यूज़ ना कर सके डिपार्टमेंट वाले कि आपकी तो कोई इतला हम तक पहुंची ही नहीं थी। इस वक्त एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं और दोबारा अब्दुल रऊफ साहब के सवाल को कुछ डिटेल में और टच करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुलशन अभी लाहौर से अदील बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल बताइए। जी मैंने सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है महकमा पुलिस जो है जी, ये इतनी ज्यादा इनकी ज्यादतियाँ होती हैं कि इंसान खुद ये मुजरिम पैदा करते हैं। ये ठीक है, जुर्म को खत्म क्या इन्होंने करना है, ये खुद मुजरिम पैदा करते हैं। अगर हमारे मुल्क में ये वकला हजरात ना हो तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है ये एक वैश्विक दरिंदों का मुल्क बन जाएगी। पुलिस वाले जी सवाल की तरफ आइएगा प्लीज। अदील साहब बहुत शुक्रिया आपका अप्रिसिएशन करने का, लेकिन आप सवाल बताइए। मैं जो आपके बैठे हुए थे हाई कोर्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए, मैं बस इनको जरा सलूट करना चाहता हूँ कि अगर अगर ये हमारे मुल्क में वकला हजरात ना हो तो पुलिस तो वैश्विक दरिंदों की तरह आवाम को खा जाए। अदील साहब बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन के लिए, हमारे प्रोग्राम को भी और इसके फॉर्मेट को भी। और वकला जो हैं सर, आप माशाल्लाह लाहौर के जो लाहौर बार के वकला हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि लोग जो हैं, हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के से हवाले से मैसेज भी देना चाहेंगे। आप तो हमारे साथ मौजूद हैं और आपके तवस्सुत से हम ये पैगाम पहुँचा देंगे और भी लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वो वकला भाई जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने आपको और पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि आपका इमेज बहुत अच्छा जा रहा है पब्लिक एट लार्ज जो है उनके पास, और ऐसे चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे जिससे आपका इमेज जो है वो दोबारा से वन सेकेंड खुदा ना खासा डिस्ट्रॉय हो जाए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं खालिद बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी सवाल बताइए। हाँ जी मैं पता नहीं अभी मैंने टीवी ऑन किया समझ नहीं है कौन सा, लेकिन जो मेरा एक सवाल है जी आप लोगों से, ये अदालती मामले में जो इतला दी जाती है या ये तरीकाकार है ना जी, इस तरह हुआ है कि मैं शादी मेरी तकरीबन 97 में हुई है, उसके बाद कुछ हफ्ते बाद तकरीबन 3-4 साल बाद हमारी जो है ना आपस में भी नाराजगी इस तरह घरेलू हो गई ना। ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर अदालती नोटिस नहीं आया। ठीक है। हाँ जी बस वैसे ही एक दफा उन्होंने जी इतला दी और कि भाई हम खुला लेना चाहते हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे खुला की बजाय मैंने कहा कोई तरीकाकार कोई तरह की बात अगर बन जाए जी तो बेहतर है, और अदालती मेरे पास प्रॉपर कोई नहीं, तो कुछ अरसे बाद मुझे ये पता चला जी वो कहते हैं हमने खुला ले लिया। ठीक है। हाँ जी तो इस अब आप पूछना चाह रहे हैं कि इस एक्स पार्टी डिग्री की क्या हैसियत है? जी 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 थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम देखते रहें, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इससे पहले हमारे साथ जो है वो समीना पिंडी से थी, उनका क्वेश्चन ये था कि जो है उनकी छह माह पहले उनके बेटे की शादी हुई है और इस टाइम पर वो डाउटफुल हैं, वो खुद भी कहते हैं कि हालात कुछ इस तरह से कशीदा हो गए हैं कि उनके बेटे जो हैं वो रखना नहीं चाहते, उनकी जो बहू है वो रहना नहीं चाहती, तो इनके पास क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है पैचअप करने के लिए? कह रही हैं कि कुछ मुश्किल हालात हैं, खुद भी कायम की बहुत मुश्किल है उनकी साइड से मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हम आपको मैसेज देना चाहेंगे कि बिल्कुल कोशिश कीजिए कि अगर इसमें समटाइम्स जल्दी में डिसीजन ले लिए जाते हैं और उसके बाद जो है पूरी ज़िंदगी जो है उन फैसलों की वजह से पछताना पड़ता है, और खुदा ना खास्ता हम दोनों अगर दोनों पार्टीज हमें सुन रही हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आप अभी अगर पैचअप कर लें तो आपके हक में ये बहुत बेहतर है। खुदा ना खास्ता अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ और सोचते हैं तो हो सकता है कि वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित ना हो सके फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन। सबसे पहले हम पैचअप की बात करेंगे, उसके बाद ज़मीना जो आपने हमसे सवाल किया उसके जवाब की तरफ भी चलेंगे, एक और कॉलर के प्रोग्राम में पहले शामिल करेंगे और उसके बाद आपके जवाब की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये था एक एफआईआर के अगेंस्ट था कि जो दफा 489F जो है जी जी उसके मतलब ये था कि वो आम जो चेक्स होते हैं उनके ऊपर भी कर दी जाती है, मीन्स जो गारंटी के चेक हैं उनके ऊपर भी कर दी जाती है, क्या इसके अगेंस्ट कोई ऐसा रूल हो सकता है कि अगर जो पुलिस है अगर वो पैसे लेकर, आमतौर पर देखा जाता है कि वो 489F लगाकर अरेस्ट कर देती है, ठीक है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में कुछ दायर कर सकते हैं एप्लीकेशन? जी बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप प्रोग्राम देखते रहे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान, देखते रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद।